और यहाँ पर देख तो यहाँ पर एक चैनल आ गए हैं, एक बुड्ढे का चैनल है। अबे बुड्ढे तेरी उम्र हो चुकी है 50-60 साल, अब तो ये कांड करना छोड़ दे बुड्ढे। लोगों ने रिपोर्ट भी किया, उसके बाद मुझे धमकी मिली। जहाँ गई तो उसके बाद मुझे यहाँ पर धमकी मिलना शुरू हो गई। तो मैंने यहाँ पर बोला अबे तुम्हारी औकात सिर्फ कपड़े खोलने की है, उससे आगे तुम्हारी औकात नहीं है। दोस्तों अब वो वक्त दूर नहीं जब YouTube को भी बैन कर दिया जाएगा, जैसे कि TikTok को बैन किया गया था। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि गाइस आज से कुछ साल पहले हम देखेंगे, यानी कि 2014-15 में हम देखेंगे, तो YouTube बहुत ही ज्यादा जो साफ सुथरा जो प्लेटफॉर्म था, यानी कि YouTube पर कुछ भी ऐसी वीडियो बहुत ही ज्यादा कम थी, वही ऐसी घटिया वीडियो थी। लेकिन आज की डेट में अगर हम देखेंगे, यानी कि 2017-18-19-20 उसके बाद अगर हम देखेंगे, तो YouTube को इतना गंदा यहाँ पर प्लेटफॉर्म बना दिया गया है कि आज की डेट में बच्चे को फोन देना तो भाई कोई भी खतरे से खाली नहीं है। क्योंकि बच्चों के सामने होम पेज पर अगर बच्चे के हाथ में अगर फोन दे दें और कुछ इस तरीके की वीडियो उस बच्चे के सामने आ जाएंगे, तो भाई क्या होगा। जब हम पार्क में बैठे रहेंगे, ठीक है, उसके सामने आएंगे तो हम बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा होंगे और बच्चे के हाथ से फोन छीनना पड़ेगा। जी हाँ, ऐसी सिचुएशन आज की डेट में हो चुकी है। पोर्न इंडस्ट्री यूट्यूब को बनाया जा रहा है, कुछ ऐसी वीडियोज यूट्यूब पर क्रिएट हो रही है जो कि बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। इस वीडियो से पहले, यानी कि 4-5 दिन पहले मैंने आवाज उठाई थी इस पर कि ये वीडियो बंद करो, और मैंने उस वीडियो में बहुत सारे उदाहरण दिए थे। एक है जो लेडी है वो यहाँ पर पढ़ा रही है, जैसे कि मधु सिंह ऐसा एक चैनल था, उस पर मैंने आवाज उठाई थी भाई ये जो चैनल है अभी डिलीट हो जाना चाहिए, यानी कि उस पर बहुत ही अच्छा से आपका प्यार मिला, और बहुत सारे लोगों ने रिपोर्ट भी किया। उसके बाद मुझे धमकी मिली। जहाँ गई तो उसके बाद मुझे यहाँ पर धमकी मिलना शुरू हो गई कि भाई तुम्हारा क्या जा रहा है, ऐसा ऐसा। मैं आपको यहाँ पर जो है बता देता हूँ, इंस्टाग्राम पर मुझे धमकियाँ मिल रही है कि तुम्हारा क्या जा रहा है, और आज भी मैं वीडियो बनाऊंगा और 10-15 बार वीडियो बनाऊंगा, 100 बार वीडियो बनाऊंगा, जब तक ये YouTube जो है यहाँ पर साफ ना हो जाए, एकदम क्लीन ना हो जाए। क्योंकि अब वो वक्त दूर नहीं रहा जब YouTube को भी बैन कर दिया जाएगा, जैसे कि TikTok को उड़ा गया था ना, वैसे YouTube का उड़ा दिया जाएगा। देखिएगा यहाँ पर आप लाइव प्रूफ देख सकते हैं यहाँ पर मुझे किस तरीके की धमकियाँ मिल रही हैं। यहाँ पर मैं आपको नाम तो नहीं बता सकता, यहाँ पर मैंने ब्लर कर दिया है कि भाई नाम बताने से कोई फायदा नहीं है, आप उसको हेड दिखाओगे, मुझे ये नहीं चाहिए। लेकिन मैं आपको उसने जो बोला यहाँ पर, सबसे पहले मेरा स्क्रीनशॉट लिया उस वीडियो का जो मैंने यहाँ पर यूट्यूब पर अपलोड किया, वो मुझे यहाँ पर सेंड किया गया है। अभी भाई तुम्हारा क्या जा रहा है, ऐसी वीडियो हम बना रहे हैं, तो मतलब वो सामने वाला बोल रहे हैं, मतलब वो चैनल का ही ऐसा कोई बंदा है जो कि मुझे बोल रहे हैं कि हम ऐसी वीडियो बना रहे हो, तुम्हारा क्या जा रहा है, तुम ऐसी वीडियो को बंद कराने में क्यों लगे हुए हो। यहाँ पर देखो, क्या आप एक वीडियो बना के हमारा चैनल को डिलीट करा दोगे, मुझे बोल रहे हैं कि आप एक वीडियो बना के मेरे चैनल को डिलीट करा दोगे। अरे भाई मैं 100 वीडियो बनाऊंगा, 50 वीडियो बनाऊंगा, 1000 वीडियो बनाऊंगा, जब तक ये YouTube का जो प्लेटफॉर्म है क्लीन ना हो जाए तब तक मैं वीडियो बनाते रहूंगा। और आप लोगों का दोस्तों साथ चाहिए जो कि इस तरीके के कंटेंट को हटाना चाहते हैं, आप लोग प्लीज साथ दीजिएगा। आगे ये बंदा बोल रहे हैं भाई हमारा सिर्फ पैसा और व्यूज से मतलब है, मतलब मैंने जो बोला था ना भाई बच्चों के यहाँ पर भविष्य खराब हो रहे हैं वगैरह वगैरह, मैंने बोला, तो ये बोल रहे हैं हमें सिर्फ पैसों से और व्यूज से मतलब है, और वो हमें यहाँ पर मिल रहा है देख सकते हो, और देखने वाले तो हमारे करोड़ों लोग हैं, इस तरीके की जो वीडियो है वो देखने वाले करोड़ों लोग हैं, और हमसे हमें जो है सिर्फ पैसे से और व्यूज से मतलब है, कोई किसी के भविष्य से किसी से मुझे मतलब नहीं है। और सामने बोल रहे हैं तो अभी हमें हम आपकी वीडियो पर रिपोर्ट मारवाएंगे, मतलब हम आपकी वीडियो को डिलीट करवाएंगे, हम आपके चैनल को डिलीट करवाएंगे, आपकी वीडियो पर हम रिपोर्ट मारेंगे। तो मैंने यहाँ पर बोला अबे तुम्हारी औकात सिर्फ कपड़े खोलने की है, उससे आगे तुम्हारी औकात नहीं है। मैंने इतना बोल दिया और क्लियर बोल दिया भाई तुम सिर्फ कपड़े खोलकर वीडियो बना सकते हो, उससे आगे तुम्हारी औकात कुछ भी नहीं है। लेकिन मेरे साथ आपका प्यार है और ऑडियंस का प्यार है, तो मैं ऐसी वीडियो 1000 बार बनाऊंगा, लाखों बार बनाऊंगा, जब तक यूट्यूब का जो प्लेटफॉर्म है वो यहाँ पर क्लियर ना हो जाए तब तक मैं वीडियो बनाते रहूंगा। आज भी मैं काफी लोगों को यहाँ पर पर्दाफाश करने वाला हूँ, यूट्यूब से बिल्कुल क्लीन हो जाना चाहिए। और जो भी मेरा साथ देने वाला है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे ऐसी वीडियो आती रहेगी हमेशा के लिए। यहाँ पर देखते रहिए, मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, और काफी सारे चैनल मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पर चैनल मैं आपको बताऊँ, क्योंकि उस चैनल पर जाके आपको रिपोर्ट मारनी है। ये प्लेटफॉर्म जो है बहुत ही गंदा प्लेटफॉर्म होने जा रहे हैं, और काफी लोग इससे पैसे कमा रहे हैं, अपना घर खर्चा चलाएं, जो कि अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, बिल्कुल बढ़िया कंटेंट बना रहे हैं, वो यहाँ पर घर खर्चा चला रहे हैं। और जो YouTube है वो अगर इस तरीके का कंटेंट आगे चलते रहेंगे तो YouTube को दोस्तों बैन कर दिया जाएगा, बिल्कुल बैन कर दिया जाएगा YouTube को। यहाँ पर देख सकते हो मैं एक चैनल सर्च कर रहा हूँ, मतलब अभी के टाइम में भाई बहुत ही ज्यादा यहाँ पर गंदी सिचुएशन हो चुकी है YouTube की। यहाँ पर देखते रहिए, यहाँ पर मैं सर्च कर रहा हूँ AB, ठीक है, मैंने कुछ चैनल यहाँ पर सर्च करके रखे हैं, देख सकते हो AB स्टाइल ब्लॉग, ठीक है, इस तरीके एक चैनल है स्टाइली ब्लॉग, ये एक चैनल है गाइस, और इस पर किस तरीके की वीडियो अपलोड हो ही जा रही है यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ठीक है, ये वाला चैनल अभी सर्च में नहीं आ रहा है, और यहाँ पर देख सकते हो आप यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो एक मिनट गाइस, आपको यहाँ पर मैं वो चैनल दिखा रहा हूँ, AB स्टाइली ब्लॉग, ठीक है, स्टाइली ब्लॉग, देखते रहिए आप, ठीक है,
ये देख सकते हो ये वाला चैनल यहाँ पर आ चुके हैं, एपी स्टाइली ब्लॉग है, एपी स्टाइली ब्लॉग, ठीक है, यहाँ पर एपी स्टाइली ब्लॉग है। और सिर्फ और सिर्फ 13 वीडियो के अंदर दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो 108,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिया। देख सकते हो एक किस तरीके के वीडियो अपलोड किया जा रहा है यहाँ पर, आप देख सकते हो मोस्ट पॉपुलर वीडियो देखिए 2.7 मिलियन 2 महीने के अंदर, और देख सकते हो 4 लाख व्यूज़ यहाँ पर देख सकते हो, और उसके बाद 3 लाख व्यूज़ 2 महीने के अंदर, कितनी ज़्यादा यहाँ पर चैनल की ग्रोथ देख सकते हैं और देखने वाले लोग देख सकते हैं। मैंने इस चैनल पर 450 वीडियो अपलोड होने वाली है, इस चैनल की ये जो वीडियो है 440वीं वीडियो है, लेकिन आज तक मेरे 2K सब्सक्राइबर भी कंप्लीट नहीं हुए। क्यों नहीं? क्योंकि इस तरीके की जो घटिया कॉन्टेंट देखने वाले वो बहुत ज़्यादा है। अब देख सकते हो बच्चों का भविष्य कहाँ जा रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरह की वीडियो, मुझे हम कहाँ से आए हैं देख सकते हो, देख सकते हो कितना घटिया यहाँ पर थंबनेल वगैरह लगे हैं, और वीडियो में भी कुछ इस तरीके का यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर मैं ये वीडियो प्ले करूँगा, यहाँ पर आप देख सकते हो ऐड चल रहे हैं, पैसे तो यहाँ पर ये कमाएंगे, बहुत अच्छा खासा पैसे यहाँ पर कमा रहे हैं, ठीक है, देख सकते हो किस तरीके की यहाँ पर ये वीडियो अपलोड हो जा रही है, यहाँ पर देख सकते हो। देखिए देखिए गाइस कितनी शर्मनाक बात है भाई, हमारे इस तरीके की वीडियो अपलोड हो रही है, देख सकते हो YouTube के प्लेटफॉर्म को कितना गंदा प्लेटफॉर्म यहाँ पर बनाया जा रहा है, देख सकते हो देख सकते हो देख सकते हो। ये अब इस तरीके का कंटेंट अब बनेंगे तो यहाँ पर किस कैसे चलेगा, मैं आपको और चैनल दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर देख सकते हो लव मैरिज डेली ब्लॉग, देखिए यहाँ पर, ठीक है, लव मैरिज डेली ब्लॉग आप यहाँ पर देखते चलिए, ये वाला एक कॉन्टेंट और है, यहाँ पर देख सकते हो ये वाला चैनल और है। जितना हो सके इस चैनल पर यहाँ पर क्लिक करिए, और यहाँ पर रिपोर्ट का ऑप्शन आएगा, रिपोर्ट यूजर पर क्लिक करके सेक्सुअल कंटेंट पर क्लिक करके रिपोर्ट मारो, ताकि जो कचरा है ये साफ हो जाए। यहाँ पर आने वाले समय में लाखों हजारों चैनल खुलेंगे ऐसे, और सिर्फ उनको पैसे से मतलब है, बाकी किसी से मतलब नहीं है उनको, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पर ये पैसे यहाँ पर जो है व्यूज इनका देख सकते हो आप, देखो देखो 4,20,000 एक महीने के अंदर, 3,50,000 कितने यहाँ पर व्यूज आ रहे हैं, 84,000 इस तरीके के इनके व्यूज आ रहे हैं, और इनका कंटेंट देख सकते हो। देखिए अब हम इनको क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, देखिए, और YouTube भी इनको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पर देखो चैनल मोनेटाइज है, सुपर थैंक्स का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन हम अगर ऐसी वीडियो बना दें तो हमारे चैनल पर रिपोर्ट मरवा देगा, अगर हम थंबनेल में भी ऐसा कुछ लगा दें तो हमारी वीडियो पर यहाँ पर स्ट्राइक मार देगा, सेक्सुअल कंटेंट अपलोड करो। लेकिन ये जो वीडियो के अंदर कर रहे हैं इनका चैनल भी इजीली मोनेटाइज कर रहे हैं, कोई भी स्ट्राइक नहीं मार रहे हैं, और अच्छे खासे ये पैसे कमा रहे हैं। अगर ये वीडियो किसी के होम पेज पे चले जाए, अगर कोई बच्चा देख रहा है छोटा, तो उन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, है ना, आप भी समझ रहे हो गाइस क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो जितना हो सके मेरा यही है कि अगर मैं हजारों वीडियो बनाना पड़ेगा तो 1000 वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इस तरीके का कंटेंट डिलीट होगा, चाहे मुझे यहाँ पर कितनी भी धमकी मिले, मुझे धमकियों से कोई मतलब नहीं, मुझे पता है कि इनकी औकात कुछ भी नहीं है, औकात इनकी कुछ भी नहीं है, अगर औकात होती तो ये अच्छे वीडियो बनाकर अपनी फैन फॉलोइंग बनाता, जैसे कि मनोज दे, सौरव जोशी, कितने बड़े बड़े यहाँ पर ब्लॉगर हैं अपने इंडिया के अंदर जो कि अच्छे ब्लॉग बना रहे हैं और यूट्यूब पर ग्रो कर रहे हैं, है ना। तो इस तरीके का अगर इनकी औकात होती है बनाते, इस तरीके का वीडियो ये क्रिएट नहीं करते। और एक मैं आपको चैनल दिखाना चाहूँगा, देख सकते हो माला साहब, ये देख लो, एक मैं आपको चैनल दिखाऊंगा जिसे देख कर तो आप चौंक जाओगे, यहाँ पर देखो माला, देख सकते हो आप, यहाँ पर मैं सर्च कर रहा हूँ सासी व्लॉग, इस तरीके का एक चैनल है गाइस, और यहाँ पर आप देख, और यहाँ पर देख तो यहाँ पर एक चैनल आ गया है, एक बुड्ढे का चैनल है, अबे बुड्ढे तेरी उम्र हो चुकी है 50-60 साल, अब तो ये कांड करना छोड़ दे बुड्ढे, देख सकते हो ये बुड्ढा है, यहाँ पर देख सकते हो कितना यहाँ पर खराब कंटेंट बना रहे हैं, बुड्ढा देखो, अब बुड्ढे की यहाँ पर कारस्तानी आप देख सकते हो, देख सकते हो अब सर के बाल इस बुड्ढे के उड़ गए हैं, लेकिन बुड्ढे को अकल अब तक नहीं आई है, बुड्ढे को अकल अब तक नहीं आई है, सर के बाल उड़ गए हैं, साले का यहाँ पर उठना यहाँ पर बेकार हो चुका है, हाथ झेल कर इसको उठवाते हैं, यहाँ पर खड़ा करते हैं, लेकिन बुड्ढे की जो हवस है वो नहीं मुटी है, देख सकते हो बुड्ढा किस तरीके से वीडियो बना रहे हैं, देखो अबे बुड्ढे तुम्हारे बच्चे होंगे यार, उस बच्चे के अगर ये वीडियो देखेंगे तो कैसा लगेगा, है ना, देखिए देख सकते हो साले, बस बुड्ढे को जाकर रिपोर्ट करना गाइस, और जितना हो सके जल्दी करना, यहाँ पर देख सकते हो माला सासी ब्लॉग इस बुड्ढे के चैनल का नाम है, और जितना हो सके सभी चैनल को रिपोर्ट मारो, और ये चैनल है ना ये गंदगी डिलीट हो जानी चाहिए, मेरा बस यही मोटिव है, और मुझे लाखों हजारों वीडियोज बनानी पड़ेगी तो वो भी मैं बनाऊंगा, लेकिन ये जो कंटेंट है वो मुझे यहाँ पर डिलीट करवाना है, ऐसा कोई भी कंटेंट मुझे नहीं चाहिए, और जो भी लोग मुझे सपोर्ट करें उनको दिल से धन्यवाद, सपोर्ट कीजिए दिल से, ताकि हम इस कंटेंट को रिमूव करवा सकें और यूट्यूब को वापस साफ सुथरा प्लेटफॉर्म बना सके, मेरा बस यही मोटिव है, और मैं वीडियो बनाता रहूँगा, और आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, जितने भी इस तरीके को आपको यहाँ पर चैनल दिखे इस पर क्लिक करके रिपोर्ट मरवाओ, सभी चैनल को रिपोर्ट मरवाओ, बस इतना मैं आपको कहना चाहता हूँ। और ऐसे बहुत सारे चैनल यहाँ पर आप सर्च करोगे कपिल ब्लॉग तो आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है, कपिल ब्लॉग अगर आप सर्च करोगे तो ऐसे सामने आपको बहुत सारे चैनल आ जाएंगे, देख सकते हो ये वाला चैनल, ये वाला चैनल आपके सामने आ जाएगा, देख सकते हो कितने घटिया घटिया, ये देखो एक ये चैनल है, और यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है, ये वाला चैनल और यहाँ पर देख कपिल मस्ती ब्लॉग देख सकते हो, ये देख सकते हो, ठीक है,
ये देखो व्यूज देखो इनके, यहाँ पर व्यूज देख सकते हो ठीक है, 4 मंथ के अंदर 5 लाख से भी ऊपर व्यूज, 4 मंथ के अंदर 4,64,000 व्यूज, इतने हमारे तो नहीं आए कभी है ना, हमारे तो कभी नहीं आए, इतने यहाँ पर क्यों आ रहे। जितना हो सके गाइस इस कंटेंट के ऊपर रिमूव करो, बस इतना कहना चाहता हूँ आपसे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव के साथ, ताकि उनको भी पता चले कि यूट्यूब में अभी क्या चल रहा है। चलो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, और ये जो धमकी देने वाला है ना उनसे मैं कतई नहीं डरता, क्योंकि तुम्हारी औकात सिर्फ कपड़े खोलने की है, और कपड़े खोलकर तुम्हारी औकात है वीडियो बनाने की, उससे ज्यादा तुम्हारी औकात नहीं है। चाहे कितनी भी धमकी दे लो, ये सुरेश विष्णु हमेशा वीडियो बनाते रहेगा और तुम्हारी औकात याद दिलाता रहेगा।